नरेंद्र मोदी द्वारा संकल्पित एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेल नागपुर मंडल के तत्वावधान से 125 जगहों पर एक घंटे के लिए स्वच्छता अभियान चलाया गया और इसी श्रृंखला में इतवारी रेल स्टेशन पर भी इसका कार्यान्वयन किया गया। दरअसल पूरे देश में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और इसी श्रृंखला में नागपुर रेल मंडल द्वारा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज 1 अक्टूबर के अवसर पर 1 तारीख 1 घंटा साथ साथ अभियान चलाया गया, जिसके तहत इतवारी रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई की गई, जहां रेल प्रशासन समेत गैर सरकारी संगठन एवं यात्रियों ने भी इस अभियान में हाथ जुटाया, जिससे यह महत्वाकांक्षी अभियान यकीनन सफल होगा, ऐसा विश्वास नामित त्रिपाठी ने जताया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमने ये स्वच्छता पखवाड़ा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम मना रहे हैं और स्वच्छता ही सेवा है इस संकल्प के साथ आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं एक नए अभियान के साथ। ये एक बहुत नई पहल की गई है प्रधानमंत्री जी द्वारा, जिसका कि मेन प्रिंसिपल है एक घंटा एक तारीख एक साथ। इसका उद्देश्य है कि हम सब मिलके जो रेल परिसर हैं स्टेशन हैं और अन्य जो हमारे स्थान हैं वहाँ पे हम सब मिलके, मतलब यात्रीगण, जन समुदाय, जो हमारे रेल कर्मचारी हैं, जो खासतौर से हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, जो DRUCC के हमारे मेंबर्स हैं, स्टेशन कंसल्टेटिव कमेटी के जो मेंबर्स हैं और NGOs जो हैं वो भी आज हमारे साथ इस अभियान में जुड़े हैं और हम एक घंटा यहाँ पे हम 125 लोकेशन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के तहत 125 लोकेशंस आइडेंटिफाई की गई हैं जहाँ पर ये अभियान चल रहा है इस समय एक घंटे के लिए। और इस पूरे अभियान के पीछे जो उद्देश्य है वो है कि स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत का जो हमारा सपना है वो हम साकार कर पाए। धन्यवाद। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।